तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं जो आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरीके से अपने YouTube की वीडियोस या फिर अगर आप YouTube पे कोई भी म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो उसको किस तरीके से बैकग्राउंड में रन कर सकते हो। तो उसको जानने के लिए यार वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक का देखते रहना। यहाँ पर मैं कोई भी इस तरीके की एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा, यानी कि यूट्यूब की जो मॉड एप्लीकेशन आती है वो, या फिर आपको मैं कोई प्रीमियम वर्जन जो इसका यूट्यूब का वो, मतलब जो प्रीमियम अकाउंट है वो नहीं लेने के लिए कहूँगा। तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सारी चीज़ें करनी है उसको जानने के लिए यार वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक का जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आप नए हो तो यार चैनल को जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा लेना, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो यहाँ पर मैं वीडियो में आगे कुछ बताने से पहले मैं आप सभी को जो मैं बता देता हूँ कि ऐसे ही एक वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले भी बनाया था, तो उसमें जो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो मेरा इस फ़ोन में नहीं चल रहा है और इस फ़ोन में नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप सभी की दूर हो जाने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना है। इसीलिए मैंने बोला था कि मतलब जैसे अब किसी का ओप्पो का फ़ोन था तो उस पर एक कमेंट आता है कि भाई ओप्पो A5 या कुछ ऐसा करके कोई फ़ोन था उसमें नहीं चल रहा है, फिर किसी की जो वॉइस जो है वो कट रही थी। अब जो मतलब रिसेंट पेजेस में मैंने जाकर के कुछ बताया था एक ट्रिक थी, तो उसको किस तरीके से मतलब जब भी वो वीडियो जो प्ले हो रही थी जो वॉइस जो वो कट कट के आ रही थी, तो यहाँ पे ये हो गई एक दिक्कत। और एक दिक्कत ये हो गई थी कि जो आप जब आप लॉक स्क्रीन ऑफ करते थे तब जो है कोई भी मतलब जो भी म्यूजिक आप प्ले कर रहे तो वो चीज़ काम नहीं कर रही थी। तो वो किस तरीके से करना वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको दो ट्रिक। सबसे पहले नंबर वन पे ट्रिक जो आएगी एक फ्लोटिंग ट्यूब करके एप्लीकेशन है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ पर लिखना है फ्लोटिंग ट्यूब, तो वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही छोटी सी एमबी, करीब 4 से 5 MB की होगी, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन को ओपन करो, उसमें जो भी मतलब आप जो भी वीडियो प्ले करना चाहते हो वहाँ पर जाकर के प्ले कर दीजिए। उसी के साथ साथ आप अपना इंस्टाग्राम जो भी फेसबुक वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो चीज़ कर सकते हैं और फ्लोट होके चलता रहेगा वो। तो इस वजह से मतलब बहुत ही सही लगने वाला है, मतलब आप एक साथ दो काम कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वीडियो जो देखना आप है उसको मिस नहीं करना चाहते, म्यूज़िक है चाहे वो आप देखना मतलब मिस नहीं करना चाहते, उसके साथ साथ आप व्हाट्सअप पे किसी को रिप्लाई वगैरह देना है तो साथ ही साथ आप वो बाकी की जो काम है वो चीज़ आप कर सकते हैं। और सेकंड नंबर वाली जो ट्रिक है वो तो बहुत ही सही ट्रिक है, लॉक अगर आप जो लॉक स्क्रीन है उसको ऑफ कर देंगे तभी भी जो आपको जो म्यूज़िक है जो भी वीडियो उसको अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना नहीं मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, सुनना चाहते तो वो चीज़ आप काम में लेकर आ सकते हो। दूसरे नंबर की ट्रिक यहाँ पर यह आती है निकल कर कि आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। सभी के मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र जरूर ही इंस्टॉल होगा क्योंकि सभी एंड्रॉइड मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड आता है, ठीक। तो इसलिए मैं क्रोम ब्राउज़र में बता रहा हूँ। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ करते हो, मतलब क्रोम तो रहता ही है भाई पहले से, बहुत से लोगों को फायरफॉक्स पसंद आता था, उसमें भी ये चीज़ काम कर जाएगी। सेम ट्रिक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले रिक्वेस्ट टू डेस्कटॉप साइट जो उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो है तब जाकर के आपको करना है सर्च वहाँ पर youtube.com। अगर आप ऐसे करोगे तो शायद आपको दोबारा से मतलब जो YouTube की एप्लीकेशन है वहाँ पर ले जाएगा वो, मगर आपको YouTube की एप्लीकेशन जो उसको ओपन नहीं करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र में ही ये सारे काम करने हैं, तो इसको कर दीजिए। इसको करने के बाद जो जब रिक्वेस्ट youtube.com पर आप पहुंच जाएंगे, वहां पर पहुंचने के बाद जो भी आपका वीडियो जो भी आप म्यूज़िक या प्लेलिस्ट जो भी सुनना चाहते हैं उसको क्लिक कर मतलब जो उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जब वो वीडियो प्ले होने लग जाए तब आपको जो होम बटन है आपको उसको प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद ऊपर आप देख लेंगे, अब ऊपर जो है नोटिफिकेशन में आपको वहाँ पर दिख जाएगा सारी चीज़ें, मतलब जो भी म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। आप लॉक स्क्रीन कर देंगे तब वहाँ पर एक टाइम पर पॉज हो जाएगा वो म्यूज़िक, फिर आपको लॉक स्क्रीन ऑन करनी है, केवल लॉक ऑन नहीं करना है, केवल लॉक स्क्रीन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो है अब आपको वहाँ पर प्ले पॉज का बटन मिल जाएगा, आप वहाँ पर प्ले कर दीजिए, फिर जो आपका म्यूज़िक जो वो चालू हो जाएगा। तो यही थी यार बस छोटी सी ट्रिक, पसंद आई हो तो नीचे मतलब कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक्स का जो टारगेट था 50 लाइक्स का उसको जरूर जरूर कंप्लीट करवा देना। तो आज के इस वीडियो बस इतना ही दोस्तों, अगर आप इसी तरीके कोई ट्रिक वगैरह मतलब ढूंढ रहे थे या फिर चाहे जो भी, तो वो चीज़ आज के इस वीडियो में अब इसके अलावा जो और कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न है या फिर नहीं हो रहा आपसे तो कमेंट जरूर कर देना। तो आज के इस वीडियो बस इतना ही, जो भी नए हो यार तो चैनल को